मित्रों, हाथ में इंडेक्स फिंगर रिंग फिंगर से ज़्यादा लंबी है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ऐसे व्यक्ति महत्वाकांक्षी स्वभाव के होते हैं। ये लोग हमेशा और ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ये लोग उदार और दानी स्वभाव के होते हैं। समाज में ज़रूरतमंदों की सहायता करने वाले होते हैं। ये लोग स्वाभिमानी स्वभाव के भी होते हैं। किसी भी व्यक्ति के सामने झुकना पसंद नहीं करते। यदि किसी व्यक्ति के नीचे रहकर इनको काम करना पड़े, तो फिर ये लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा दबा दबा महसूस करते हैं। ये लोग सात्विक स्वभाव के होते हैं, अच्छे काम करने वाले होते हैं और पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऊटपटांग काम करके पैसा नहीं कमाते। हमेशा सात्विक और उत्तम काम करके ही पैसा कमाते हैं। ये लोग जिम्मेदार स्वभाव के भी होते हैं, और यदि इनको किसी भी चीज़ की एक बार जिम्मेदारी दे दी जाए, तो फिर ये लोग अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ में निभाने वाले होते हैं, और इन लोगों को अपने काम का श्रेय भी मिलता है। यानी कि ये लोग यदि कोई काम करते हैं, तो उस काम का श्रेय भी, उस काम का क्रेडिट इनको हमेशा मिलता है। तो ऐसे व्यक्ति अपना काम पूरी जिम्मेदारी से निभाते हैं, लेकिन इनके द्वारा किए हुए काम में कोई व्यक्ति टीका टिप्पणी करता है, तो फिर इन लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और जिस काम में या फिर जिस जगह पर बार बार इनके ऊपर उंगली उठाई जाती है, उस जगह को या उस काम को ये लोग तुरंत छोड़ करके चले जाते हैं। ये लोग धार्मिक और सामाजिक स्वभाव के होते हैं। ये लोग समाज में सभी लोगों से अच्छा व्यवहार बना करके रखने वाले होते हैं, और इन लोगों की जो संतान होती है, इनके जो बच्चे होते हैं, वो भी कोई ना कोई काम करके समाज में सम्मान प्राप्त कर लेते हैं। इन लोगों का जीवन साथी भी बहुत अच्छे स्वभाव का होता है, और इन लोगों को अपने जीवन साथी से और अपने बच्चों से बहुत सुख प्राप्त होता है। ये लोग प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं और किसी भी व्यक्ति को दुख देने की कभी नहीं सोचते। इसी कारण से इनका जीवन बहुत अच्छा होता है। ये लोग हमेशा अपने फाइनेंशियल बैकग्राउंड को दिमाग में रखने वाले होते हैं और उसी हिसाब से आगे की प्लानिंग करने वाले होते हैं। इसी कारण से इनको आर्थिक परेशानी या फिर सामाजिक या पारिवारिक परेशानी जल्दी नहीं होती है।